मैं आपसे जानना चाहूंगा अदब के बारे में आपके क्या ख्यालात हैं, आपको लिटरेचर पसंद है? जी जी बिल्कुल पसंद है। और फहीम आपको पता है हमारे मुल्क में अदब फेस्टिवल भी होने जा रहा है, बहुत जबरदस्त तरीके से। आप जा रहे हैं? हाँ बिल्कुल जी, बस वो आने दें, मैं जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ऐसी अदबी जगहों के ऊपर वो मुझसे कहते हैं पाण तुसी रहने दो, तुसी चिल करो, तुसी टेंशन ना लो, असी मुका लेंगे। तो वो अक्सर ऐसा हो जाता है मेरे साथ। ठीक है, तो फिर हम अपने नाजरीन को बता देते हैं कि पाकिस्तान अदब फेस्टिवल का बाकायदा इनेकाद कल से होने जा रहा है। छठे और सातवें अदब फेस्टिवल में लाहौर और कराची दोनों मेज़बान हैं। अदब फेस्टिवल पाकिस्तान का शुमार पाकिस्तान समेत दुनिया भर में होने वाले अदबी, सकाफती और समाजी मेलों में होता है। पाकिस्तान में अदब, सकाफत और समाजी राबतों की अहमियत बढ़ाने का सबसे बड़ा इवेंट अब फेस्टिवल का बाकायदा आगाज कल से होने जा रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है जी, छठे अदब फेस्टिवल का अहतमाम अलहमरा आर्ट्स काउंसिल लाहौर और सातवें अदब फेस्टिवल का इनेकाद शारे फैसल के एक निजी मकाम पर होगा। तर्जुमान अलहमरा के मुताबिक इस बार मशहूर और मारूफ शख्सियात और स्कॉलर फेस्टिवल का हिस्सा बनेंगे। इसी सिलसिले में मजीद जानकारी हासिल करने के लिए हमने इनवाइट किया है अमीना सैयद को, जो कि मुंतजिम है अदब फेस्टिवल की। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। जी वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे बुलाया। शुक्रिया आप, शुक्रिया आपका जी, आपकी नवाजिश है। आपने जो है वो ये शर्फ बख्शा हमें कि आप इस वक्त तमाम तर इंतजामात को देखते हुए भी वक्त निकालने के लिए जो है वो आपके बड़े मशहूर हैं। हम ये बताइएगा कि इस बार अदब फेस्टिवल, ये जो छठा अदब फेस्टिवल होने जा रहा है लाहौर में, कितना मुनफरिद है और किन अदीबों को जो है वो एक्सपेक्ट किया जा रहा है इस बार? जी इस दफा माशाल्लाह बहुत एक से बढ़ के एक अदीब आ रहे हैं। क्या बात है। और इनमें जो शामिल हैं वो अथर ताहिर हैं, जो एक पोएट हैं और राइटर हैं, आर्ट क्रिटिक हैं। उनकी किताब है सेकंड कमिंग, उसकी हम यहाँ रूनुमाई कर रहे हैं। सलमान फारूकी साहब की जो किताब है डियर मिस्टर जिन्ना, उस पर एक पूरा सेशन है। और यासिर लतीफ हमदानी और प्रोफेसर अली उस्मान कासमी, वो जिन्ना पे गुफ्तगू करेंगे। वो जिन्ना की एक किताब है जिन्ना लाइफ, उस पर गुफ्तगू होगी। और एक हम बहुत बड़ा सेशन कर रहे हैं तालीम पर। अच्छा। क्योंकि तालीम का यहाँ इस कदर बुरहान है पाकिस्तान में, तो उसमें पंजाब के एजुकेशन मिनिस्टर राणा सिकंद वो हयात साहब, वो भी तशरीफ ला रहे हैं। मोना नसरीन महमूद कसूरी बीकन हाउस की आ रही हैं। जी जी जी, तो बहुत मतलब यानी पैनल जो है वो ठीक ठाक जो है वो इस मरतबा आ रहा है। अब जरा पैनल की तो बात हो गई है, आवाम की बात करते हैं। ये बताइएगा कि ये छठा फेस्टिवल हो रहा है, तो इससे पहले जितने भी आपने किए हैं, रिस्पॉन्स कैसा आ रहा है आवाम की जानिब से, कैसा रिस्पॉन्स है? क्योंकि लोग अदब को पढ़ने के, अच्छा सुनने में तो बड़ा पसंद आता है लोगों को, बड़ी अच्छी गुफ्तगू, बड़ी अच्छी शायरी, लेकिन वो स्टेटस की हद तक रह जाती है ज़्यादातर। तो आप ये बताइए कि इसका रिस्पॉन्स कैसा मिल रहा है आप लोगों को? देखिए रिस्पॉन्स माशाल्लाह बहुत अच्छा है। आपको जब मैंने पहला, अच्छा आपकी आवाज़ थोड़ी सी है, आप हमें सुन सकती हैं? अच्छा नेट का कोई मसला आया हुआ है, अभी देख लेते हैं। जी अमीना साहब आवाज आ रही है आपको? जी 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 आवाज आ रही है। जी जी बताइएगा जी प्लीज, आप कुछ अर्ज कर रही थी। जब पहली कराची लिटरेचर फेस्टिवल लॉन्च की तो उसमें 5000 लोग आए थे 2010 में। जी। और आपको हैरत होगी 2018 में उसी लिटरेचर फेस्टिवल में 2,00,000 लोग आए थे। और फिर हमने 2019 में अदब फेस्टिवल लॉन्च की, और जब तक तो समझिए पूरे पाकिस्तान में ये मेरा फैल गई थी लिटरेचर फेस्टिवल्स। मेरा मकसद यही था कि लिटरेचर फेस्टिवल्स हों पूरे पाकिस्तान में, और मैं एक मॉडल बनाऊं तो उसको फिर लोग आगे ले जाएं। अब वही हुआ माशाल्लाह। तो अब भी मतलब ये 10,000-20,000 लोग आ जाते हैं हर फेस्टिवल में। तो मैं तो ये चाहती हूँ कि पाकिस्तान में रोज एक हो, लेकिन अब माशाल्लाह पूरे मुल्क में हो रही है, ज्यादातर शहरों में हो रही है। बिल्कुल, बहुत ही जबरदस्त अनाम अमीना साहिबा ने, आपको याद होगा KLF के लिए जब हम जाया करते थे, अनवर साहब की उसमें स्पीच होती थी, तो स्पेशली अनवर साहब का सेशन सुनने के लिए हम जरूर जाते थे। और अनवर साहब जो है वो पाकिस्तान में अदब का एक बहुत बड़ा खजाना है, एक जखीरा है, जो कि इस वक्त यहाँ पर लिविंग लेजेंड के तौर पर मौजूद है। और जब भी फेस्टिवल के तकरीबन एंडिंग सेरेमनी होती है तो वो जरूर आते हैं। तो अमीना साहिबा बताइएगा, इस बार कराची में जो सातवां फेस्टिवल का एडिशन हो रहा है, उसकी एंडिंग सेरेमनी पे क्या अनवर साहब आ रहे हैं? सॉरी कौन आ रहे हैं? अनवर मकसूद साहब की स्पीच है इस बार। अच्छा अच्छा जी,
क्योंकि आप जानती हैं वो जरा वायरल सेंसेशन है अनवर साहब जो हैं। जी बहुत, अनवर मकसूद साहब तो बहुत ही मकबूल हैं, उनके नाम से लोग टूट पड़ते हैं। जी जी, इस दफा हमने नहीं की है। असल में हमने जरा सा ये चेंज ये किया है कि पहले तो हम एक बहुत बड़ी अदब, बहुत बड़े पैमाने पे अदब फेस्टिवल करते थे, अब भी इंशाल्लाह करेंगे, हर नवंबर में हम करेंगे, लेकिन हम बीच में हम ये चाहते हैं कि लोगों को एक साल का इंतजार ना करना पड़े, तो इसलिए हम अब छोटी बार भी कर रहे हैं। जैसे अच्छा। कल लाहौर में अल्हम्रा आर्ट्स काउंसिल में है, कल दोपहर को, परसों कराची में है, हैबिट में कल शाम को 5 बजे शुरू हो रही है। ये दोनों जरा छोटे पैमाने पे हैं। अच्छा, इसलिए हमने आपने कहा कि इस फेस्टिवल में एजुकेशन का भी सेशन आप रखने जा रहे हैं, तो यकीनन अदब का और जो तालीम का एक बहुत गहरा ताल्लुक है, इस हवाले से बताइएगा कि ये फेस्टिवल कितने दिन तक जारी रहेगा? ये दोनों एक एक दिन के हैं। ठीक है, क्योंकि अब हम छोटे वाले कर रहे हैं। जी जी, जो हमारा बड़ा होगा वो नवंबर में होगा। वो और देखिए, तालीम के अलावा एक हमने बहुत बड़ा सब्जेक्ट दोनों फेस्टिवल में रखा है, वो विमेन्स क्रिकेट। पाकिस्तान की जो खवातीन क्रिकेटर्स हैं, पीसीबी के जो क्रिकेट विमेन्स विंग है, उसमें एक से बढ़ के एक क्रिकेटर्स आगे आ रही हैं, तो उस पर एक हमने किताब पब्लिश की है मेरे लाइटस्टोन पब्लिशर्स ने, उसका नाम है अनवेल्ड जज्बा, अ हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान विमेन्स क्रिकेट। तो उसमें बुशरा एतजाज आ रही हैं लाहौर में, और उसमें जो आजकल मलिक हैं, तानिया मलिक जो पीसीबी विमेन्स विंग की हेड हैं, वो तशरीफ ला रही हैं। तो ये इस तरह हम ये भी दिखाना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान की जो खवातीन हैं उनकी माशाल्लाह कितनी एम्पावरमेंट हुई है। अच्छा जी, तो और इसके जो ऑथर है वो इंडियन जर्नलिस्ट उसका नाम है आयुष पुथरान, वो मुंबई से आ रहे हैं। अच्छा, और मैं बहुत बल्कि पीसीबी का शुक्रिया करती हूँ कि उनको वीजा भी दिलवा दिया, वो पाकिस्तान आ रहे हैं और वो पाकिस्तान विमेन्स क्रिकेट पे बात करेंगे। जबरदस्त, अब द फेस्टिवल में कराची और लाहौर में। क्या बात है, बेहतरीन, जबरदस्त हो जाएगा ये। अच्छा, आपने बताया कि जी तालीम पर भी जो है वो इसमें दिया जा रहा है ध्यान। मैं चाहूंगा, मेरी गुजारिश है आपसे कि अगर आप लोग इसे मैनेज कर सकें, तालीम के साथ साथ हम तरबियत को जो है वो भूल जाते हैं। जैसे कि मुझे याद है कि हमारे सब्जेक्ट्स में एक सब्जेक्ट हुआ करता सिविक का, जिसके अंदर हमें बताया जाता था कि लोगों से कैसे मिलना है, ट्रैफिक के रूल्स क्या हैं, किस तरीके से रहा जाए। वो तो अब उसकी ज़रूरत ही नहीं, पता नहीं क्यों निसाब से निकाल दिया गया है। शायद हम इतने ज़्यादा वेल एजुकेटेड हो गए हैं, ऐसा होने लगता होगा, हमें नहीं लगता कि ऐसा हुआ है, लेकिन तरबियत को जो है वो बड़ा नज़रअंदाज किया जाता है। और जहाँ अदब की बात आती है, तो मेरा ये अपना ज़ाती मानना है कि अदब वहीं पर आता है जहाँ तरबियत हो। तरबियत अगर अच्छी होगी तो वो अदबी शख्सियत निकलेंगे और अदब से जो है वो पेश आएंगे। तालीम के साथ साथ अदब पर भी जो है वो मेरी गुजारिश है कि फोकस किया जाए, इसको इग्नोर ना किया जाए और बताया जाए कि किस तरीके से और किस लेवल तक जो है वो इसकी ज़रूरत पेश आती है। जी, बहुत सही फरमाया आपने, तरबियत तो बहुत ही अहम है। बगैर तरबियत के कितना भी आपको तालीम मिल जाए तो उसका असर नहीं होगा। लेकिन ये ख्याल है कि तरबियत आप एक सब्जेक्ट एक टेक्स्ट बुक से नहीं सिखा सकते। Exactly. वो आप एग्जांपल से सिखाते हैं। तो वालदैन या असाज़ा, उन सब को तरबियत सिखानी चाहिए अपने बिहेवियर से, कि वो किस तरह अपने आप को बिहेव कर रहे हैं और काम कर रहे हैं, उससे तरबियत सिखाई जा सकती है। और बिल्कुल बहुत अहम है और बिल्कुल हमें इस पे तवज्जो देनी चाहिए। दुरुस्त फरमाया आपने। आजकल तो मतलब इसके बगैर तो गुजारा नहीं, अगर लोगों को तमीज नहीं है, तरबियत नहीं है, तो वो कितनी भी इनको आला तालीम आप दे दें लेकिन वो कामयाब नहीं होंगे। जी जी, बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया, मैं उसी तरफ इशारा कर रहा था। अनम, अक्सर आपने देखा होगा बड़े बड़े स्कूल्स जब आप जाते हैं बच्चों को रिसीव करने के लिए अपने छुट्टी के टाइम पर, तो आप देखते हैं कि बड़ी बदतमीजी के साथ जो है बहुत सारे बच्चे आपको अपने ड्राइवर से और अपने गार्ड से बात करते हुए नजर आते हैं। बिल्कुल, वो आप इतने बड़े स्कूल में इतनी ज्यादा फी पे करके, और जिन स्कूलों की तरफ मेरा इशारा है उनसे लोग वाकिफ हैं, अमीना साहिबा भी जानती हैं कि वो कौन से स्कूल्स हैं जहाँ पर ड्राइवर्स और गार्ड जो हैं वो बच्चों को रिसीव करने आते हैं, तो जिस लहजे में वो बात कर रहे होते हैं अपने गार्ड्स और उनसे, उनकी तबीयत का भी पता चल रहा होता है, उससे अंदाजा होता है कि आप इंसान को इंसान नहीं समझ रहे हैं, आप उसे हकीर समझ रहे हैं, जबकि तमाम इंसान बराबर हैं। वो अपनी जॉब कर रहा है, आपके फादर जो है वो अपनी जॉब करते हैं, भाई उनको ज्यादा पैसे मिलते हैं, इसे कम पैसे मिलते हैं, बट ही इज डूइंग हिज जॉब। वो गुलाम नहीं है आपका, स्लेवरी नहीं है।
जिसके तहत आप ये इस तरीके से उसे ट्रीट करें और ये तरबियत घरों से ही मिलती घरों से है। मैं भी यही कहने वाली थी फहीम कि घरों से ऐसी तरबियत जो है ना वो बच्चों को पहले दी जाती है, तभी वो बाहर जाकर वो इस तरह की चीजें करते हैं या अच्छी तरबियत भी नजर आ जाती है और बुरी तरबियत। मेरी गुजारिश तो मीना साहिबा से फिर से यही होगी कि आप उन वालदैन को जो कि घरों पर बच्चों को तरबियत दे रहे हैं जब इन अदब फेस्टिवल्स के अंदर बुलाएं तो इस चीज को भी हाईलाइट करें, और दूसरा जितने भी हमारे अदीब आ रहे हैं जितने भी हमारे शायर आ रहे हैं जब वो किसी की तरबियत करेंगे, जब वो कुछ कहते हैं ना, वो कहते हैं ना सुनाए बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं, तो हमारे अदीबों और शायरों की बातों से फूल झड़ते हैं तो ये बात है, तो चलो बात करके देखते हैं। तो उन वालदैन से जरूर बात कीजिएगा। जी बहुत जरूरी है, बिल्कुल सही फरमाया। और देखिए वालदैन घर में किस तरह लोगों से बात करते हैं, बिल्कुल, और कि तो उससे उसी से बच्चा सीखता है। अगर वो किसी को किसी से बुरी तरह बात करें या उनको ऐसे ट्रीट करें कि वो उनसे कमतर हैं तो वही बच्चा सीखता है। तो ये मेरा तो ये ख्याल है कि एग्जांपल बहुत ज़रूरी है। और देखिए मैं तो हमेशा वालदैन से ये कहती हूँ कि देखिए आप बच्चों के लिए उनकी सालगिरह है तो उनको बुक शॉप ले जाएं, वहाँ उनके लिए किताब खरीदें, बजाय इसके कि कोई खिलौना खरीदें जो दो दिन में टूट जाए। अगर वो खुद बुक शॉप जाएंगे, घर में किताबें रखेंगे, खुद पढ़ेंगे किताबें, या तो उससे बच्चे को भी पढ़ने की आदत हो जाएगी, बजाय इसके कि बच्चे से कहें कि किताब पढ़ो, इस तरह वो किताब नहीं पढ़ेगा, जब खुद पढ़ेंगे तो उससे सीखेंगे। बिल्कुल, ये अमीना साहिबा ने बहुत अच्छी बात की है कि पेरेंट्स को बच्चे जो है वो फॉलो करते हैं, जैसे जैसे पेरेंट्स करते हैं बच्चे भी वैसे ही करते हैं। हमने देखा भी है अक्सर बच्चों को, मैंने एग्जांपल्स देखी है कि जो पेरेंट्स जो चीजें कर रही होती है वो ही उसी तरह से उनके बच्चे भी फॉलो कर रहे हैं, कॉपी पेस्ट हो जाते हैं। अमीना साहिबा वंस अगेन थैंक यू सो मच, आपने वक्त निकाला, आपके लिए बड़ा मसरूफ देना है, और आवाम से भी हमारी गुजारिश है कि कल अलहमरा जो है हॉल जरूर जाएं और अदब फेस्टिवल का हिस्सा बने। हमारा अपना अदब है, हमारे अपने अदीब हैं, हमारे अपने लोग हैं, एंजॉय कीजिएगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।